जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2020 का मैच नंबर 21 चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच था मुकाबला, जो कि काफी घमासान मुकाबला था क्योंकि आखिरी ओवर तक मैच गया था। बता दें दोस्तों, किस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स को भले से ही 10 रनों से हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन मैच में कुछ ऐसा रोमांच बना हुआ था कि चेन्नई सुपर किंग्स की जीत लगभग तय मानी गई थी, लेकिन एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसकी बदौलत टीम को हार का सामना करना पड़ा। उसी टर्निंग पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे, मैच में क्या कुछ खास हमें देखने को मिला, किसने सबसे बेहतरीन फील्डिंग करी, किसने सबसे अच्छी बल्लेबाजी करी, किसने सबसे अच्छी गेंदबाजी करके मैच के टर्निंग पॉइंट में चेंजेस लाए। बता दें दोस्तों, किस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर ने सबसे पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला लिया था, जो कि आज के समय पर देखा जाए तो काफ़ी सही है, क्योंकि जो भी टीम रन चेस के मामले में जाती है उसको हार का सामना करना पड़ा है लगभग मैचेस में। टॉस जीतो मैच जीतो वाली कहानी भले से ही दुबई के मैदानों पर ना चली हो, लेकिन पहले बल्लेबाजी करके जीत हासिल करना सभी टीमें अब इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं। कोलकाता नाइट राइडर ने भी गलती नहीं की और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। हमें देखने को मिला चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक बड़े बदलाव के साथ आज का मुकाबला खेली थी, और कोलकाता नाइट राइडर अपने वही प्लेइंग 11 के साथ खेली थी जो पिछले कुछ मुकाबलों से खेलती आई है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में बड़ा बदलाव यह था, जहां पर उन्होंने आज के मुकाबले में पीयूष चावला की जगह करण शर्मा को एक स्पिन गेंदबाजी में चेंजेस किया था। करण शर्मा को दी थी गेंदबाजी और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, क्योंकि आज के मुकाबले में उन्होंने 2 विकेट लिए। जी हाँ दोस्तों, 4 ओवर में 25 रन देते हुए उन्होंने 2 विकेट लिए। लेकिन बात करें किस प्रकार से शुरुआत में बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स में, आज एक और सबसे बड़ा बदलाव था कि राहुल त्रिपाठी, जिन्हें पिछले मैच में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए लाया गया था, उन्हें आज के मुकाबले में शुभमन गिल के साथ पहले नंबर पर ही बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया था ओपनिंग के लिए। और देखने को मिला सबसे ज़्यादा रन दोनों ही इनिंग्स की अगर देखा जाए तो राहुल त्रिपाठी ने मारे। कोलकाता नाइट राइडर की टीम में सबसे ज़्यादा रन राहुल त्रिपाठी ने ही मारे, 51 गेंदों में 81 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का स्कोर 167 का था तो उसमें आधे से ज़्यादा रन राहुल त्रिपाठी ने ही मारे, क्योंकि 81 रन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और अकेले ही इन्होंने बनाए। दूसरे छोर से इनका साथ देने के लिए कोई भी बल्लेबाज था ही नहीं, जो भी बल्लेबाज आ रहा बहुत जल्दी आउट होकर चला जा रहा था। किसी भी बल्लेबाज ने इनके अलावा 20 रन से ऊपर भी रन नहीं बनाए। शुभमन गिल, जो पिछले कुछ मुकाबलों से अर्धशतकीय पारी खेल रहे थे, वो 12 गेंदों पर 11 ही रन बना पाए, तो वहीं नीतीश राणा भी आज के मुकाबले में सिर्फ 9 ही रन बना पाए। हमें एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला, सुनील नारायण, जिनसे पहले ओपनिंग कराई जाती थी, उन्हें आज के मुकाबले में 4th नंबर पर भेजा, क्योंकि नीतीश राणा और शुभमन गिल के विकेट गिरने की वजह से स्कोर बोर्ड काफ़ी धीमा चलने लगा था। इसी वजह से सुनील नारायण को पहले भेजकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश थी, तो यही कुछ हुआ, क्योंकि सुनील नारायण ने आते ही एक छक्का और एक चौका जड़ के 9 गेंदों में 17 रन बनाए और बॉलर करण शर्मा एक गेंद पर आउट होकर चलते बने। कैच पकड़ी थी फैफ डू प्लेसी ने, बड़ी ही शानदार कैच थी। उसके साथ ही हमें देखने को मिला इयान मॉर्गन, जो पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बावजूद उसके उन्होंने आज के मुकाबले में सिर्फ 7 ही रन बना पाए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी और उनके गेंदबाज काफ़ी अच्छे फॉर्म में नजर आए थे। गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। राहुल त्रिपाठी काफ़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, इसी वजह से वो इतने लंबे समय तक टिके रहे और 81 रन तक बना लिए। आंद्रे रसल से काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि आंद्रे रसल एक अलग ही मूड में आए थे, और जब आए थे जब इनके पास एक अच्छा मैच में माहौल बना हुआ था, जहां 4 से 5 ओवर ही बचे थे, आंद्रे रसल लंबा स्कोर कर सकते थे, लेकिन आज के मुकाबले में सिर्फ 2 ही रन बना पाए। दिनेश कार्तिक कप्तान के रूप में खेल रहे हैं, एक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इनका बल्ला आज 5वां मैच था लगातार शांत रहा, 11 गेंदों में 12 ही रन बना पाए। अगर ये साथ देते राहुल त्रिपाठी का तो स्कोर और भी आगे जा सकता था, 180-190 आसानी से जाता। कमलेश नागर को टीवी 0 रन पर आउट हो गए। पैट कमिंस ने अंत किया था, क्योंकि इन्होंने 9 गेंदों में 17 रन बनाए, 1 चौके 1 छक्के की मदद से। शिवम मावी आउट होकर चलते बने। वरुण चक्रवर्ती भी अंत में आउट हो गए थे रन लेने के चक्कर में। तो ऐसे करके टीम ने 167 रन का लक्ष्य दिया था चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सामने। सबसे अच्छी गेंदबाजी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से ड्वेन ब्रावो ने की थी, 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट लिए थे। शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। सैम करन ने भी 2 विकेट लिए, लेकिन 26 रन दिए अपने 4 ओवर में। दीपक चाहर सबसे महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 47 रन उन्होंने दिए। तो वहीं हमें देखने को मिला किस प्रकार से जब सुपर किंग्स की बल्लेबाजी की बात आई तो पिछले मैच के हीरो रहे दोनों बल्लेबाज फैफ डू प्लेसी, शेन वॉटसन ही ओपनिंग करने के लिए उतरे थे। बल्लेबाजी में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला। अब तो टीम में अंबाती रायडू और अन्य प्लेयर्स की वापसी हो चुकी है, जिनकी वापसी अभी तक होनी बाकी थी। ब्रावो, अंबाती रायडू सभी टीम से जुड़ चुके हैं, बावजूद उसके आज का मुकाबला टीम को हारना पड़ा। शेन वॉटसन ने
चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है बॉलर सुनील नरेन। सुनील नरेन का मुकाबला और शेन वॉटसन के सामने जब भी हुआ है, उन्होंने इनका अपना 5 बार शिकार बनाया है, इससे ज्यादा बार ही बनाया आईपीएल के अंदर। लेकिन आज के मुकाबले में भी शेन वॉटसन की विकेट सुनील नरेन ने ली थी, जो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि ये तब 39 गेंद में 50 रन की पारी खेल चुके थे। लेकिन सुनील नरेन की गेंद पर LPW आउट होते हुए 41 गेंद में 50 रन तक ही सीमित रह गए और 6 चौके 1 छक्के की मदद से ये आउट होकर चलते बने। लेकिन उससे पहले मैच में कई बदलाव हुए थे। एक अकेले ही शेन वॉटसन थे जो स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि फेफ डु प्लेसी ने 10 गेंदों पर 17 रन ही बनाए थे। पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन शिवम मावी ने अपनी तरकीब लगा, युवा गेंदबाज थे और जोश से काम लिया ना कि होश से। और जो जोश में फेफ डु प्लेसी खेल रहे थे, उनकी होश उड़ाते बड़ी ही बेहतरीन विकेट ले ली, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि अगर फेफ डु प्लेसी और शेन वॉटसन की विकेट चली जाती है जल्दी, तो टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से बिखर जाता है। अंबाती राइडर्स से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, तो उन्होंने शेन वॉटसन का साथ दिया था। 112 रन तक करीब ये दोनों टिके रहे थे और बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। तब टीम को ऐसा लगा था कि मैच एक तरफा है और 2 से 3 ओवर पहले ही मैच को जीत लिया जाएगा, क्योंकि 27 गेंदों पर 30 रन की पारी अंबाती राइडू ने शेन वॉटसन के साथ खेली थी। 50 से अधिक गेंद के बीच पार्टनरशिप देखने को मिली थी। लेकिन कमलेश नागरकोटी की गेंद पर आउट हो गए और कैच पकड़ी थी शुभमन गिल ने। 3 चौके ही लगा पाए थे अंबाती राइडू और 27 गेंदों पर 30 रन बना के ये आउट हो गए थे। आज के मुकाबले में एक बड़ा बदलाव ये भी देखने को मिला चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में, कि महेंद्र सिंह धोनी ने आज अपने आप को ऊपरी क्रम पे खिलाने का सोचा, जो उनकी सोच तो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ये भी एक बल्लेबाज के रूप में ही टीम में खेलते हैं। लेकिन आज इनकी बल्लेबाजी टीम के लिए काम नहीं आई। महेंद्र सिंह धोनी जिस प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं, जिस श्रेणी के बल्लेबाज हैं, वो अब इनकी कहीं ना कहीं खो चुकी है। अपने आप को टीम में भले से ही ऊपरी क्रम पे बल्लेबाजी कराने के लिए लाए हों, लेकिन टीम को पॉइंट्स टेबल में नीचे ले गए, क्योंकि हमें देखने को मिला चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसका कारण कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। अगर टीम को संवारा था और कम लक्ष्य इनको मिला था, तो महेंद्र सिंह धोनी की बेहतरीन कप्तानी थी। लेकिन इन्होंने दिमाग तो लगा लिया, लेकिन अब बारी था बल्ला चलाने की, तो बल्ला नहीं चला पाए। महेंद्र सिंह धोनी 12 गेंदों में सिर्फ 11 ही रन बना पाए। जी हाँ दोस्तों, 100 से कम का स्ट्राइक रेट, ये वही महेंद्र सिंह धोनी है जो एक समय पे 200-200 रन के प्लस का स्ट्राइक रेट रखते थे। लेकिन आज के समय पे इनका स्ट्राइक रेट 91 था, यानी कि 91 का स्ट्राइक रेट था, जो कि सबसे खराब कहा जा सकता है। महेंद्र सिंह धोनी जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, कई दर्शकों को ये फील हो गया होगा कि आज भी महेंद्र सिंह धोनी की वजह से ही हारने वाले हैं। गेंद का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, रन कम बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोशिश इनकी कामयाब नहीं रही। बॉलर वरुण चक्रवर्ती ने इनका मिडिल का स्टंप उड़ाते हुए इनको आउट कर दिया था। 1 ही चौका मार पाए थे अपनी इस पारी में। सैम करन दूसरे छोर से बल्लेबाजी करने के लिए आए, कोशिश इन्होंने अपनी तरफ से पूरी की, गेंदबाजी अच्छी की, 2 विकेट लिए थे और बल्लेबाजी में 11 गेंदों में 17 रन बनाकर 1 चौके 1 छक्के की मदद से 154 की स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन वो पारी टीम के लिए मददगार साबित नहीं हुई। दूसरी तरफ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब आया, जब केदार यादव खेलने के लिए आए। टीम एक अच्छी स्थिति में थी, केदार यादव, रविंद्र जडेजा और ड्वेन ब्रावो उसके बाद बल्लेबाज बाकी थे जब महेंद्र सिंह धोनी आउट हुए थे। लेकिन केदार यादव की जब एंट्री होती है, तो सभी लोग ये बात देखकर दंग रह गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि केदार यादव जिस श्रेणी के बल्लेबाज माने जाते हैं, वो अपने को टिकाने के लिए कम से कम 10 से 5 गेंद लेते ही लेते हैं। तो आज के मुकाबले में अगर ये 10 से 5 गेंद लेते, तो अंतिम में जहां टीम को 10 से 12 गेंदों में 30 प्लस स्कोर करना था, यानी करीब 39 रन चाहिए थे, तो वो काफ़ी कठिन था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी केदार यादव अपने आप को शांत रखे रहे और इनके बल्ले से कोई भी अच्छा स्कोर नहीं निकला। 12 गेंदें अंतिम की यूज़ करी थी इन्होंने, खेली थी, उसमें सिर्फ 7 ही रन बना पाए। 12 गेंदों में एक समय पर टीम को चाहिए थे 36 रन। जी हाँ दोस्तों, आखिरी के 2 ओवर में 36 रन चाहिए थे टीम को। अगर देखा जाए तो वही 2 ओवरों में जो देखा जाए तो 7 ही रन बना पाए केदार यादव। इनकी एक पारी में 1 ही चौका शामिल था और 58 की स्ट्राइक रेट से खेले। जी हाँ दोस्तों, 58 की, जो एक टेस्ट क्रिकेट में भी शायद किसी खिलाड़ी की नहीं रहती होगी। 58 की स्ट्राइक रेट से केदार यादव खेले, एक भी शॉट्स मारने का इनकी तरफ से प्रयास नहीं रहा। आंद्रे रसल के सामने तो इनका बल्ला शांत ही रहा, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा बाउंस गेंद देते रहे और ये अपने आप को बचाते रहे। दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा ने कमाल करके दिखाया। वो चाहते अगर खेलते और शुरुआत में केदार यादव से ऊपर पहले रविंद्र जडेजा को लाया जाता, तो टीम की जीत हो सकती थी,
लेकिन टीम ने केदार यादव पे भरोसा जताते हुए कहीं ना कहीं बड़ी गलती कर दी। अगर केदार यादव की जगह रविंद्र जडेजा और ड्वेन ब्रावो की जोड़ी मैदान पर होती तो ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स की झोली में होता, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने 8 ही गेंद खेली थी और 262 के स्ट्राइक रेट से 3 चौके और 1 छक्के लगाए थे। इनके अंदर वो दमखम था कि ये जिता सकते थे। आखिरी 2 ओवरों में 36 रन चाहिए थे तब भी जिता सकते थे अगर दूसरे छोर पे सामने ड्वेन ब्रावो रहते, क्योंकि जैसे ही रविंद्र जडेजा की बदले स्ट्राइक केदार यादव को मिलती थी तो केदार यादव अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे, 1-2 गेंद खाली करके फिर एक सिंगल लेके रविंद्र जडेजा को स्ट्राइक पर ले आते, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सबसे खास बात हमें देखने को मिली मैच के दौरान, रविंद्र जडेजा ने एक ऐसी कैच पकड़ी थी, शानदार कैच, जो कि सबसे बेहतरीन कही जा सकती है आईपीएल के अब तक के टूर्नामेंट की। बड़ी ही तेज़ी से फील्ड को कवर करते हुए भागते हुए आए थे, उसके बाद उन्होंने वो कैच पकड़ ली। कैच पकड़ते वक्त ये घिसटते हुए चले गए बाउंड्री की तरफ, लेकिन जैसे ही देखा ये बाउंड्री को छूने वाले हैं तो उन्होंने इस कैच को उछाल दिया और सामने खिलाड़ी फैफ डु प्लेसी थे। फैफ डु प्लेसी ने वो कैच पकड़ के इस कैच को और शानदार बना दिया। कैच का श्रेय भले से ही फैफ डु प्लेसी के नाम जाए, लेकिन सबसे शानदार कैच कही जा सकती है कि सीजन की रविंद्र जडेजा ने ही पकड़ी है। बात करें किस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी ने भी काफ़ी अच्छी कीपरिंग की, क्योंकि इस मैच में हमें देखने को मिला महेंद्र सिंह धोनी ने 4 कैच पकड़ी। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल की कैच महेंद्र सिंह धोनी ने पकड़ी, यॉन मॉर्गन की कैच महेंद्र सिंह धोनी ने पकड़ी, आंद्रे रसल की कैच महेंद्र सिंह धोनी ने पकड़ी, शिवम मावी कैच महेंद्र सिंह धोनी ने पकड़ी। तो आज के मुकाबले में इन्होंने 4 कैच पकड़ी। पिछले मुकाबले में इन्होंने 100 से प्लस कैच पकड़ने का एक रिकॉर्ड बनाया था, सेकंड हाईएस्ट था, लेकिन शायद अब दिनेश कार्तिक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे निकल चुके हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी भले से कीपरिंग के मामले में आगे निकल चुके हों, लेकिन बल्लेबाजी के मामले में पीछे हो चुके हों। तो मैच का यही हाल था कि 10 रनों से टीम को हार का सामना करना पड़ा। पिछले मुकाबले में जहां किंग्स इलेवन पंजाब के सामने टीम ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी, इस मुकाबले में 10 रन से हार का सामना करना पड़ा। कह सकते हैं बड़ा ख़राब फैसला महेंद्र सिंह धोनी अपने आप को ऊपरी क्रम पर लाने के बावजूद वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि सुनील नारायण शेन वॉटसन को हर बार आउट करते थे। शेन वॉटसन एक अच्छी फॉर्म में खेल रहे थे, चाहते तो अकेले ही मैच जिता सकते थे, लेकिन सुनील नारायण ने जैसे ही शेन वॉटसन की विकेट ली टीम पूरी तरीके से बिखर गई। एक के बाद एक विकेट गिरती रह गई, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर की विकेट एक के बाद एक गिर रही थी, ना कि ऐसे गिर रही कि एक ओवर में 2 विकेट गिर गई फिर 5-10 बाद 10 ओवर के बाद विकेट, एक साथ ही उनकी तीन चार विकेट गिरती रही, जिसकी वजह से कोलकाता नाइट राइडर भी कम लक्ष्य दे पाई और चेन्नई सुपर किंग्स की विकेट भी उतनी ही तेज़ी से गिरती रही, इसी वजह से वो भी इस रन चेस के मामले में पिछड़ गई थी। तो ये रहा मैच का हाल कि किस प्रकार से रविंद्र जडेजा ने पकड़ा शानदार कैच, बावजूद इसके टीम नहीं जीत पाई यह मैच। 10 रन से हार का करना पड़ा सामना, जहां धोनी ने अपने आप को ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी के लिए लाया, लेकिन टीम को पॉइंट टेबल में पीछे ले गए। अब देखना दिलचस्प रहेगा आने वाले मुकाबले में कितनी जद्दोजहद के बाद इस साल चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, क्योंकि अब ये लड़ाई जीतने की नहीं, आईपीएल फाइनल तक के लिए नहीं, बल्कि क्वालिफाई करने के लिए बन चुकी है। क्योंकि अब टीम ने काफ़ी ज़्यादा मैचेस हार लिए हैं, 2 ही मैचेस जीते हैं, तो टीम को चाहिए अब जीत, हर मैच में जीत, हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी खास रहनी चाहिए। देखना दिलचस्प होगा क्या होता है आने वाले समय में, लेकिन मैच नंबर 22 किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेज सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा घमासान मुकाबला शाम 7:30 बजे। उसकी हाईलाइट के साथ ही आप सभी के साथ जुड़ेंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स, दीपक रिपोर्ट।